हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 प्रश्नवाली प्रश्नवाला 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बता दिया था, तो आई होप आपने वो सारा वीडियो, वो सारे पिछले लेक्चर जो है वो देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है क्वेश्चन कि श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला, श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। आपको इस क्वेश्चन में श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य विधि यानी फॉर्मूला लगाना है, जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ और यहाँ इसी पे ये फॉर्मूला लगा के देखिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो एक्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला 4ac और अपॉन 2a, ये है आपका फॉर्मूला। और abc ये पहचानना है, तो abc पहचानने के लिए आपको याद रखना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ वाला, b एक्स के साथ वाला, ये पूरा माइनस का, और c जो है बिना एक्स वाला। तो कंपेयर करते हैं, चलो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 1। फॉर्मूले में रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस पहले से और -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर -4ac। ए कितना है, तो ए है 2, सी कितना है तो 1 अपॉन 2a, तो 2 × 2, ठीक है। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है सिर्फ, तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2√2, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस बी और माइनस बी, रूट में 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस हो गया प्लस, देख लीजिए माइनस का प्लस, 2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 × 8, ठीक है। सर दुनिया नीचे हो गए 4, एक्स की वैल्यू आ गई है 2√2 प्लस माइनस रूट 8 − 8 होता है 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4, तो एक्स की वैल्यू है 0 हटा दो यहाँ से, 2√2 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2 बाई 2 आ जाएगा, जिसको और भी कैंसिल करोगे तो 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आई है 1/√2, यहाँ पर √2, ये आपका आ गया आंसर। देख लीजिए फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। इसी से तुलना करना है, तुलना करने के बाद ए बी सी निकालना है, ए बी सी के मान को फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है, बस इजी है, ठीक। तो इसे नोट करेंगे आप। अब इसी का दूसरा पार्ट बता रहा हूँ मैं,
दूसरे का दूसरा लिख देता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ और इस प्रश्नावली को खत्म करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। देखिए इसका सेकंड वाला जो है लिख देता हूँ, इसे आप लोग ट्राई करेंगे। माइनस स्क्वायर माइनस प्लस सेवन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके आंसर चेक करना है आप लोग सीधाचार्य मेथड लगाएंगे। आंसर चेक करने का तरीका बता देता हूँ, पहले ए 9 है, बी 7 है और आपका सी जो है वो माइनस 2 है। ये मैंने आपको हिंट दे दी है, फॉर्मूला आपको पता है। आंसर चेक करने का तरीका है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें, गुणनखंड विधि यूज कर लें और आंसर चेक कर लें। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगेगा, 10 to the 18 18 लगा है तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 18 के लिए बचेगा 9 और 2 प्लस का 9x माइनस का 2x आ चुका है। तो x की वैल्यू जो है x प्लस 9x प्लस 1 9x माइनस 2 एक बचेगा और x प्लस 1 एक बचेगा आपका। तो आंसर आपका आ जाएगा x की वैल्यू है 2/9 एंड x की वैल्यू है माइनस 1। ये फैक्टर करके मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। आपको श्रीधराचार्य मेथड से इसका आंसर निकालना है, ये आप करेंगे, ठीक है। आंसर लिख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 2/9 2/9 एक्स इज इक्वल टू -1 यानी -1। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। उस थर्ड वाला क्वेश्चन इसका मैं बताता हूँ, इसी का सेकंड का थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ x नीचे 0 नहीं हो सकता, 1/0 हो जाएगा इनफिनाइट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले तो द्विघात बनाइए, द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए यानी क्वाड्रेटिक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, इस x को उधर ले दो तो 3x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस b तो प्लस 3 अंडर रूट b स्क्वायर तो 9 स्क्वायर माइनस 4ac 4a इनटू a अपॉन 2 है तो 2 × 1। आंसर देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गए बचे 5 रूट 5 बाई 2 होल जा 2। अब x की वैल्यू होगी 3 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 5 बाई 2। एक चीज़ और बता देता हूँ, बड़ा कौन सा है दोनों का है, ये वाला बड़ा है ये छोटा है, क्यों, क्योंकि 3 प्लस कुछ तो बड़ा होगा और 3 माइनस कुछ छोटा होगा, ठीक है। ऐसे चेक कर लेते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ये हो गई थर्ड क्वेश्चन की बात, सिंपल था, केवल द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे फोर्थ वाला, दिखने में बड़ा होगा लेकिन छोटे हैं सॉल्यूशन करने में। 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। a की वैल्यू देखो कितनी है, √2, सिंपल है ना, कंपेरिजन करना। b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2, तो फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x की वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो 49 माइनस 4, a की जगह है √2, a की जगह है √2 और c की जगह है 5√2 अपॉन में, अपॉन में कितना है, अपॉन में 2a यानी 2 × √2। तो x की वैल्यू -7 प्लस माइनस 49 √2 होगा आपके पास कितने, 2 × 5 = 24 × 40 तो माइनस का 40 इधर बच गया, नीचे आ गया 2√2, ठीक है। देख लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, अभी कैलकुलेशन किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। आंसर लाने के लिए
यहाँ आ जाएगा रूट नौ, नीचे दो रूट दो, और फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस सेवन प्लस माइनस तीन आ जाएगा, रूट से बाहर निकलते हैं दो रूट दो, तो एक आंसर आ जाएगा माइनस तीन प्लस सात, माइनस सात प्लस तीन दो रूट दो, और एक आंसर आ जाएगा माइनस तीन से दो रूट दो, माइनस सात माइनस तीन दो रूट दो, ठीक है दो आंसर यहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं। अकाउंट में दो रूट दो है यहाँ पे, माइनस सेवन प्लस माइनस थ्री अपॉन टू रूट टू, एक बार प्लस का ले लें एक बार माइनस का ले लें, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस सेवन प्लस थ्री, जो कि आंसर देगा माइनस फोर, तो माइनस फोर अपॉन टू रूट टू, और एक माइनस सेवन माइनस थ्री तो माइनस टेन हो जाएगा अपॉन टू रूट टू। कैंसिल करना चाहो दो से इसको काटो और एक और दो से इसको काटो, तो वन अपॉन माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है माइनस रूट टू, क्योंकि दो से ये कटेगा दो बार और रूट टू से दो कटेगा रूट टू बार, यहाँ पर भी काटो दो से ही काटो तो माइनस फाइव अपॉन रूट टू हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस रूट टू कॉमा माइनस फाइव रूट फाइव अपॉन रूट टू, माइनस रूट टू कॉमा माइनस फाइव अपॉन रूट टू, ठीक है ये आपका फोर्थ वाले का आंसर। अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसमें सिक्स वाला फिफ्थ वाला आप खुद करेंगे, फिफ्थ वाला मैं लिख देता हूँ, वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका सेकंड का, फिफ्थ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये फिफ्थ क्वेश्चन, और ये आपको करना है सिक्स क्वेश्चन में बता देता हूँ, वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, एक्स की वैल्यू ना तो जीरो होनी चाहिए और ना ही दो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रख देंगे जीरो तो वन अपॉन जीरो इन्फाइनट होगा, और यहाँ पे दो रख दोगे दो माइनस दो वन अपॉन जीरो फिर से इन्फाइनट हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है इसीलिए दो और जीरो नहीं होना चाहिए। ये सिक्स क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करवाता हूँ, देखिए जिसको समझ में नहीं आता है कुछ चीज़ें तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखा जाए, ताकि जो है कई बार सुनने से वीडियो और चीज़ें जो है अंदर उसमें समझ में आ जाएंगी। यहाँ सबसे पहले क्या करो कि एलसीएम लेना है आपको, तो एक्स माइनस टू माइनस एक्स ये एलसीएम ले लिया प्लस मल्टीप्लाई करके, इधर थ्री अब एक्स एक्स इधर कट गया माइनस टू बचा, नीचे बचा एक्स एक्स माइनस एक्स इन टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, फिर से नीचे लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस टू इज इक्वल टू थ्री इन टू एक्स एक्स माइनस टू, अब मल्टीप्लाई कर दो पूरा तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स, इसको ले जाओ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ये माइनस दो दल गया तो प्लस का दो हो गया इक्वल टू हो गया जीरो, ये हो गया अपना द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मानक रूप में द्विघात समीकरण की बन गई। तुलना करो एक सी निकालो तो ए थ्री है बी माइनस सिक्स है और सी टू है, थ्री जरा चार यूज करो तो माइनस बी तो माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस फॉर्मूला आपको लिख लेना प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अपॉन टू ए, अब एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स प्लस माइनस छत्तीस माइनस या बारह दूनी चौबीस, नीचे आ गया छः एक्स इज इक्वल टू छः प्लस माइनस छत्तीस में से बारह गए तो बारह बचे नीचे बचा छः, ये आपका आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व अपॉन सिक्स। अब चाहो तो इसको और सिंपल करना चाहें एक्स की वैल्यू को तो और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कैसे वो देखें, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस बारह के अंदर जो होता है वो दो बाहर आ जाएगा बचेगा थ्री, देखो यहाँ बारह इसको लिख सकते हैं चार गुणा तीन रूट में है तो दो बाहर आ जाएगा तो दो रूट तीन, तो
दोबारा लिख दिया दो रूट तीन, ठीक है। नीचे बचा छः, अब दो दोनों में से कॉमन आ जाएगा दो, तो दो कॉमन आते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा तीन प्लस माइनस रूट तीन और नीचे बचेगा तीन, समझ गए, क्योंकि दो कॉमन लेके काट दिया नीचे से, दो कॉमन लेके यहाँ पर मैंने काट दिया है, दो कॉमन लेके यहाँ पर काट दिया। इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू है दो कॉमन ले लिया तो बचा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाई सिक्स, टू से सिक्स कैंसिल तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाई थ्री, ये आंसर आपका एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाई थ्री। अब अलग अलग करके भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, एक बार प्लस का एक बार माइनस का आंसर आ चुका है, ठीक है, इसे नोट कर लें। कैलकुलेशन देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और ये कैलकुलेशन करना प्रोग्राम में रखे वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया तो आपका आंसर भी सही आएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर टू था जिसके सारे पार्ट हमने बता दिए और ये छठा वाला इम्पोर्टेंट था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री चलेगा, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू क्या था, क्वेश्चन नंबर टू था आपका सीधाचार्य मेथड से सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण थे उन्हें हल करना, उन्हें सॉल्व करना था सीधाचार्य से यानी फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करेंगे, दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम देखिए क्रमागत भी है विषम भी है, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव और पूर्णांक मतलब इंटीजर, तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विषम विषम धनात्मक और पॉजिटिव भी है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स है, पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग वर्गों का योग 290 को 290 फाइंड आउट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विच स्क्वायर ऑफ विच स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विच या दो इज 290, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप ओपन देख सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सिंपल कि आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कंसेक्यूटिव हों यानी क्रमागत हों और उनके वर्गों का योग 290 हो, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर इज 290, तो लेट लेट माना मान लो लेट स्मॉल लेट स्मॉलर वन इज एक्स, माना माना छोटा वाला एक्स है, माना छोटा होना एक्स है और कौन सा पूर्णांक है, छोटा विषम पूर्णांक, तो अब देखो छोटा विषम पूर्णांक एक्स है तो कोई भी विषम संख्या जो होती है ना उसमें कितना जुड़े हैं तो वापस विषम मिले, तो वो जानने के लिए आप ऐसा नंबर लिख दो एक दो तीन चार पाँच, देखो एक विषम है तीन विषम है फिर पाँच विषम है फिर सात विषम है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसी भी एक संख्या में जो विषम है उसमें दो जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर से विषम बन जाता है, तो किसी भी विषम संख्या में दो जोड़ना चाहिए तो वो विषम बनेगा, किसी भी सम संख्या में दो जोड़ना चाहिए तो वो सम बनेगा, यानी कि सम या विषम दोनों निकालने के लिए दो जोड़ना जरूरी है, तो मैंने क्या लिखा, छोटा संख्या x है तो देन लार्जर वन इज x प्लस टू, तो बड़ी वाली संख्या निम्न लिखेगा
हिंदी में लिख लेना, तो बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी एक्स प्लस दो, यहाँ लिखेंगे आप बड़ी संख्या एक्स प्लस दो। तो वर्ग दोनों का वर्ग प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का वर्ग और एक्स प्लस दो का वर्ग ये है दिया हुआ 290। ये बात समझ में आ गई होगी, एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस दो का वर्ग ये आ गया कितना 290। अब क्या करने का, इसको हल करने का, तो एक्स का वर्ग प्लस चार प्लस चार एक्स, खोल लिया मैंने इसको पूरे को 290 बराबर में नहीं। अब एक्स का वर्ग इधर भी तो दो एक्स का वर्ग लिख दो, टू एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स पहले लिख दो, 290 को इधर लाओ, प्लस चार माइनस 290 बराबर में जीरो, इस लाइन को ऊपर लिखेंगे हम, दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस प्लस चार एक्स प्लस चार माइनस 290 बराबर जीरो, यहाँ जीरो पूरी बची है इसका उपयोग कर लेता हूँ, दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स घटाएंगे तो 286 बचे गए, ठीक है, चार घट जाएगा माइनस का 286 बराबर में जीरो, दो कॉमन ले लो ताकि और छोटा हो जाए, तो दो कॉमन लेके उधर भेज दिया, जीरो हो गया है ना, दो से भाग देंगे या दो कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो प्लस का दो एक्स बचेगा माइनस एक चार तीन 143 बचेगा इक्वल में जीरो बचेगा। अब क्या करना चाहिए मुझे, मुझे क्या करना चाहिए कि श्रीधराचार्य मेथड लगाना चाहिए सॉल्व करने के लिए, श्रीधराचार्य मेथड से धराचार्य मेथड लगा दी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस दो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो दो दूनी चार माइनस फोर ए सी तो माइनस माइनस प्लस फोर इंटू वन इंटू 143 143 अपॉन टू ए इंटू टू मल्टीप्लाई वन। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगी माइनस दो प्लस माइनस अंडर रूट चार इधर है और 143 को गुणा चार करेंगे तो चार वहाँ 144 कर लेंगे, चार गुणा 144 कैसे किया, चार गुणा 144 देखिए भाई, चार और चार कॉमन ले लिया, चार और चार कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक, ये 143 143 प्लस 1 144, ठीक है, यहाँ देखना फिर से, चार प्लस चार गुणा 143 था, चार कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 143 143 और एक 144 तो चार गुणा 144 यही तो लिखा है, ठीक है यही तो लिखा है। अब क्या करने का, नीचे दो है कॉमन रूट से बाहर ले लो, रूट से क्या कर लो बाहर ले लो, एक बार वीडियो को रोक कर आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक कर ये सब नोट कर लेंगे, मैं यहाँ से बिठा रहा देखिए मेरे पास आ चुका है x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस रूट में फोर 144 रूट में फोर इंटू 144 तो फोर रूट से बाहर आएगा तो दो 144 आएगा तो 12 नीचे बचेगा टू, इसी तरह चार बाहर आ गया तो दो और 144 बाहर आ गया तो 12, ठीक है यहाँ। अब आपको पता है ये भी दो है ये भी दो है, दो से दो बाहर तो नीचे आ रहा तो माइनस यहाँ बचेगा एक प्लस माइनस 12, दो बाहर ले लिया कॉमन लेके काट दिया, ठीक है ये आपको करना है, जैसे काटा ये तो आपको क्या बचेगा ये, अब आंसर निकाल दो, एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का ले लो, तो एक आ गया 11 और एक आ गया माइनस 13, आपको कौन सा लेना था, पॉजिटिव धनात्मक लेना था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव लेना था तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 और एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी आ गई 11 प्लस टू 13 हो गए, तो आंसर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 11 एंड 13, आंसर आ गया आपका 11 कॉमन 13, ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब दो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों हम बता देते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4